चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। इसमें हम लोग कक्षा 11वीं की आपकी जो राजनीतिक सिद्धांत है, पॉलिटिकल थ्योरी है, इसी पर बात कर रहे हैं। इससे पहले आपकी कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक की वो सभी बुक्स जो आपके सिविल सर्विस के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए जरूरी है, उन्हें कंप्लीट कर दिया गया है। उनकी पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है। और वीडियो क्लास की बात करूँ तो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से, उसमें डली हुई है। मैं तो इतना कहता हूँ कि आपको वीडियो क्लास देखने की जरूरत ही नहीं है, आप पीडीएफ डाउनलोड करिए और पढ़िए। इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जो आपको समझ में ना आए, बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई है एक तरह से। इसके भी हम लोग कक्षा 11वीं की बुक्स के भी आपके 7 6 चैप्टर कवर कर चुके हैं, ये 7वां चैप्टर है। आपकी 12वीं तक की सभी बुक्स कंप्लीट करवा दूंगा। और वैसे भी आपकी इंस्टा उस पर टेलीग्राम पर आपकी और भी पीडीएफ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे एम लक्ष्मीकांत हो गई, उसकी भी पीडीएफ बनवा कर डलवा दी गई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर दीजिए। अब बात आती है राष्ट्रवाद की। और आपने देखा होगा नई सरकार जब से आई हुई है, एक राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा गढ़ रही है। इसमें जो लोग हैं वो आप देखते हो, अगर नई परिभाषा एक तरह से देने की बात की जा रही है। राष्ट्रवाद होता क्या है, तो आप समझिए कि जैसे लोगों का समूह है, उसमें एक ऐसा कॉमन आस्था हो या आधा हो जिससे सभी लोग जुड़े रहें। अब आप सोचिए कि हमारे यहाँ देखिए संविधान से हम लोग सभी जुड़े हुए हैं। हम हो सकता है कि हमारा प्रधानमंत्री में भरोसा ना हो, लेकिन संविधान में तो भरोसा है। दक्षिण भारतीय लोग हों, फिर चाहे किसी भी धर्म के हों, उत्तर पूर्वी कहीं के भी, सब संविधान को मानते हैं या नहीं मानते। आप समझिए अगर संविधान ना होता तो सब अलग अलग हो जाते। तो हमारे पास कम से कम ऐसी एक मेन आधार आस्था तो है। ये देखिए, ये आस्था आपकी कुछ भी हो सकती है, फिर चाहे इसमें इतिहास हो सकता है, परंपरा हो सकती है, भाषा हो सकती है, जातीयता हो सकती है, जातिवाद हो सकती है, या फिर संस्कृति भी हो सकती है। एक बात और हमेशा याद रखिए, मान लीजिए कल आपने कह दिया कि आम सब खाएंगे, आम भी एक राष्ट्रवाद का मुद्दा बन जाए कि पूरा देश राष्ट्रवाद किससे निभा रहा है, आम खाने से, तो ये भी एक तरह से राष्ट्रवाद बन सकता है। चलिए और विस्तार से हम लोग अंदर जानने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय में हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद से संबंधित विचारों की जानकारी हासिल करेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। हमारे लिए यहाँ यह समझने का अधिक महत्व नहीं है कि राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ और इससे जुड़े कार्य क्या है, बल्कि हमारे लिए राष्ट्रवाद के बारे में सावधानी पूर्वक सोचना और इसके साथ इसमें निहित अधिकारों और आकांक्षाओं की परख करना महत्वपूर्ण होगा। इस अध्याय के अध्ययन मनन से हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणाओं को समझने और राष्ट्रवाद की शक्ति और सीमाओं को स्वीकार करने और लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद के बीच संबंध सुनिश्चित करने की जरूरत को स्वीकार करने में समर्थ हो सकेंगे। राष्ट्रवाद का परिचय अगर हम कहें तो राष्ट्रवाद शब्द की प्रति आम समझ क्या है, अगर मोटे तौर पर जनता की राय लें तो हम इस सिलसिले में देशभक्ति, राष्ट्रीय ध्वज, देश के लिए बलिदान जैसी बातें सुनेंगे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड परेड भारतीय राष्ट्रवाद का बेजोड़ प्रतीक है। यह प्रतीक सत्ता और शक्ति के साथ विविधता की भावना को भी प्रदर्शित करता है। कई लोग इस विविधता को भारतीय राष्ट्र से जोड़ते हैं, लेकिन अगर हम गहराई में जानने की कोशिश करें तो पाएंगे कि राष्ट्रवाद की सुस्पष्ट और सर्वमान परिभाषा करना आसान नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें अपना प्रयास छोड़ देना चाहिए। राष्ट्रवाद का अध्ययन करना इसलिए जरूरी है कि वैश्विक मामलों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप समझिए कि आपने देखा होगा कि हमारे पास एक राष्ट्रीय ध्वज है, हमारे पास एक राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान भी है और संविधान है। ये हमारे एक तरह से राष्ट्र से सभी लोगों को जोड़े, फिर चाहे आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, सब जोड़ के इन्हें रखा हुआ है। एक बात आप लोगों ने देखी होगी, जब 1947 में हम आजाद हो रहे थे तो कई देशों के द्वारा कहा गया कि भारत कई टुकड़ों में बट जाएगा। ये हकीकत भी थी, क्योंकि 564-65 हमारे पास रियासतें थी और सभी की आकांक्षाएं थी कि हम अलग अलग हों। लास्ट तक आप देखते रहते हैं कि हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर लास्ट लास्ट तक लड़ते रहते हैं। और इसमें आप देखिए कि सभी को एक करने में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है, समझ रहे हैं? तो आप समझिए कि अगर ये संविधान ना होता, भीमराव अंबेडकर आप जानते हैं कितना अच्छा संविधान उन्होंने बनाया कि सभी को जोड़ के रखे हुए हैं। अब चाहे मुस्लिमों की भावना हो तो वो अपनी, देखिए भावना, वो अपना धर्म निभा सकते हैं, लेकिन कम से कम वो जुड़े हुए हैं संविधान से। और आप देखते होंगे कि जब राष्ट्रीय परेड होता है, जब आप देखते हैं गणतंत्र दिवस पर, तो विभिन्न समूह के, आप सोचिए उत्तर पूर्वी भारत से या फिर दक्षिण भारत से, सभी लोग आते हैं वहां, अपना अपना खेल जो भी रहता है कार्यक्रम दिखाते हैं। एक भी एक तरह से राष्ट्र को एक रखने की बात की जाती है। और हमारी केंद्र सरकार जब भी इस तरह की सरकार जो भी रहे केंद्र में,
किसी भी की सरकार रहे, वो भी सभी के लोगों का मत एक तरह से ध्यान भी रखती है। किसी ऐसा नहीं कि किसी धर्म को नीचे गिराना और किसी के धर्म को ऊपर उठाना, ये तो ये एक तरह से ये फिर खाई बन जाएगी, तो राष्ट्रवाद यहाँ खतरे में हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसलिए आपने देखा वो त्रिभाषीय सूत्र की बात चल रही थी, जिसमें आप एक हिंदी थी और इंग्लिश और एक क्षेत्रीय भाषा, तो दक्षिण भारतीय राज्यों ने इसका विरोध किया, तो वहां उन्होंने कह दिया कि स्वेच्छा है आपकी कि आप द्विभाषा का क्रम भी अपना सकते हैं, ठीक है। पिछली 2 शताब्दियों के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसे सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभरा है जिसने इतिहास रटने में योगदान किया है। इसने उत्कट निष्ठाओं के साथ साथ गहरे विद्वेषों को भी प्रेरित किया है। इसने जनता को जोड़ा है जो विभाजित भी किया है। इसने अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाने में मदद की, तो इसके साथ वह विरोध कटता और योद्धों का कारण भी रहा है। साम्राज्यों और राष्ट्रों के ध्वस्त होने का यही यह भी एक कारण रहा है। राष्ट्रवादी संघर्षों ने राष्ट्रों और साम्राज्यों की सीमाओं के निर्धारण पुनर्निर्धारण में योगदान भी किया है। आज भी दुनिया का एक बड़ा भाग विभिन्न राष्ट्र राज्यों में बटा हुआ है। हालांकि राष्ट्रों की सीमाओं के पुनर्संयोजन की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है और मौजूदा राष्ट्रों के अंदर भी अलगाववादी संघर्ष आम बात है, और ये आपको देखने को मिलते रहते हैं। हर देश में आपको इस तरह के प्रॉब्लम देखने, अलगाववादी संगठन आपको संघर्ष जो भी रहते हैं मिलते रहते हैं। राष्ट्रवाद कई चरणों से गुजर चुका है। उदाहरण के लिए आप अगर देखें तो 19वीं शताब्दी के यूरोप में इसने कई छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण से बेहतर राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। आज के जर्मनी और इटली का गठन एकीकरण और सुदृढ़ीकरण की इसी प्रक्रिया के जरिए हुआ था। लातिनी अमेरिका में बड़ी संख्या में नए राज्य भी स्थापित किए गए थे और राज्य की सीमाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ स्थानीय निष्ठाओं और बोलियां भी उत्तरोत्तर राष्ट्रीय निष्ठाओं एवं सर्वसामान्य भाषाओं जनभाषाओं के रूप में विकसित हुई है। नए राष्ट्रों के लोगों ने एक नई राजनीतिक पहचान अर्जित की है जो राष्ट्र राज्य की सदस्यता पर आधारित थी। पिछली शताब्दी में हमने अपने देश को सुदृढ़ीकरण की ऐसी प्रक्रिया से गुजरते देखा है। आप लोग देखते होंगे, हमने बताया कि आपको कि आपके पास इतनी सारी रियासतें थी, आप सोचिए सबकी अलग अलग आकांक्षाएं भी थी उस समय, लेकिन कम से कम आप जुड़ के एक कॉमन एक तरह से राष्ट्रवाद का जो भी आप सोचिए आस्था है बनी तो है। अगर आप सोचिए कि 565 के 64-65 आपके देश बन जाते भारत को, तो सबकी अलग अलग आस्थाएं होती, सब एक तरह से अलग अलग बटे होते, एक दूसरे से लड़ रहे होते। पाकिस्तान को देख लीजिए, मान लीजिए कल पाकिस्तान को हम लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आने वाले दिनों में। तो आप समझिए कि फिर हम लोग ऐसा कोई मुद्दा बने कि जो सभी को एक समेट के रखे, एक ऐसा तथ्य ले आए, ऐसा आधार ले आए कि सभी, फिर चाहे पाकिस्तान के मुस्लिम हो या हिंदू हो और भी जाति हो, जो भी एक धर्म एक मतलब एक आस्था से जुड़े रहे, एक आधार से जुड़े रहे, यही एक तरह से राष्ट्रवाद हो गया, समझ रहे हैं आप लोग। और ऐसा नहीं है कि कल पाकिस्तान हमें मिल जाए तो अलग रहेगा, राष्ट्रवाद नहीं उभरेगा। उभरेगा तब भी कोई कॉमन फैक्टर ऐसा आएगा जो सबको जोड़ के रखेगा। लेकिन राष्ट्रवाद बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन में हिस्सेदार भी रहा है। यूरोप में 20वीं शताब्दी के आरंभ में ऑस्ट्रियाई, हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य था। इनके साथ एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली साम्राज्य के विघटन के मूल में राष्ट्रवाद ही था। भारत तथा अन्य पूर्व उपनिवेशों के उपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र होने के संघर्ष भी राष्ट्रवादी संघर्ष थे। इस संघर्ष विदेशी नियंत्रण से स्वतंत्र राष्ट्र राज्य स्थापित करने की आकांक्षा से प्रेरित थे। राष्ट्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया अभी जारी है। 1960 के दशक से ही सीधे तौर पर सुस्थिर राष्ट्र राज्य भी कुछ समूह या फिर अंचलों द्वारा उठाई गई राष्ट्रवादी मांगों का सामना करते रहे हैं। इन मांगों से पृथक राज्य की मांग भी शामिल है। आज दुनिया के अनेक भागों में हम ऐसे राष्ट्रवादी संघर्षों को देख सकते हैं जो मौजूदा राष्ट्रों के अस्तित्व के लिए खतरे पैदा कर रहे हैं। ऐसे पृथकतावादी आंदोलन अन्य जगहों के साथ साथ कनाडा के क्यूबेक वासियों, उत्तरी स्पेन के बास्क वासियों, तुर्की और इराक के कुर्दों तथा श्रीलंका के तमिलों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। भारत के कुछ समूह भी राष्ट्रवाद की भाषा बोलते हैं। आज अरबी राष्ट्रवाद में तमाम अरबी देशों को एक अखिल अरब संघ एकतावाद करने की उम्मीद पाल सकता है, लेकिन बास्क या कुर्द जैसे पृथकतावादी आंदोलन जो तो मौजूदा राज्यों के विखंडन के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं, आपको भारत में भी देखने को मिलेगा। कहां आप देखेंगे कि पूर्वी राज्यों में नागालैंड समूह अलग राज्य के अलग देश की बात करता है, समझ रहे हैं।
नागालैंड और नागाओं के लिए एक अलग देश होना चाहिए। और तमिल में आप देखते हैं, तमिल लोग हैं जो श्रीलंका में रहते हैं, उनका भी विरोध चलता रहता है। पाकिस्तान में भी देखिए आप लोग, पाकिस्तान में भी आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? हमारे बीच इस सवाल पर सहमति हो सकती है कि दुनिया में राष्ट्रवाद आज भी प्रभावी सत्य है, लेकिन राष्ट्र या राष्ट्रवाद जैसे शब्दों की परिभाषा के संबंध में किसी सहमति पर पहुंचना बहुत कठिन भी है। आखिर राष्ट्र क्या है? लोग राष्ट्रों का निर्माण क्यों करते हैं? और राष्ट्र क्या करने की तीव्र इच्छा जगाते हैं? लोग अपने राष्ट्र की खातिर त्याग करने और प्राण तक निछावर करने के लिए क्यों तैयार रहते हैं? राष्ट्रत्व देशभक्ति के दावे राजत्व राजकीय शक्ति के दावों से क्यों और कैसे जुड़ जाते हैं? क्या राष्ट्रों को पृथक रहने या राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त है? इस पृथक राजत्व को स्वीकार किए बगैर राष्ट्रवाद के दावे को तुष्ट किया जा सकता है? इस अध्याय में हम इनमें से कुछ मुद्दों की पड़ताल करेंगे और इनके आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। और राष्ट्रवाद एक तरह से बहुत अच्छा मुद्दा भी है। आप समझिए कि अगर राष्ट्र में देश में अगर हमें शांति या अखंडता उसकी सब रखना है, उसकी देश को अगर अच्छे से बनाए रखना है और देश को उस महा एक तरह से शक्तिशाली बना के रखना है, तो राष्ट्रवाद होना चाहिए देश में। पर ना आप सोचिए कि बाहर के लोगों को हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की जरूरत ही नहीं, अगर अंदर ही एक तरह से लंका भेदी, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, अकेला लंका भेद देता है जैसे विभीषण ने किया, तो आप सोचिए कि अगर वहां भी अगर राष्ट्रवाद होता। लंका का देखिए आप लोग, श्रीलंका उस समय जो भी अभी लंका है, श्रीलंका वहां कम से कम उन्हीं में से एक निकला, उसमें राष्ट्रवाद नहीं था। तो एक तरह से आपने देखा है कि नुकसान पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। तो इसी तरह हमारे यहाँ देखते हैं, इसीलिए आप देखते हैं कि सबकी भावनाएं अलग हो, धर्म अलग हो, जात भी अलग हो, समूह भी अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम देश के प्रति तो एक मतलब भक्ति रहे, देश के प्रति तो वफादारी दिखाए। इसलिए आप देखते हैं सब कि आपको मौलिक अधिकार दिए गए, उसके बाद आपको देखते हैं मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। मौलिक अधिकार कहने का मतलब है कि आपको अधिकार है, आपको ये करना है, जहां जाना है जाइए, बोलना है बोलिए, संगठन बनाना है कोई बनाइए, आपको जो भी करना है करिए, लेकिन आप ऐसा काम मत करिए जो देश की एकता अखंडता का उस शांति भंग कर सके। इसलिए मौलिक कर्तव्यों में देखते हैं आप लोग कि आपको सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और देशभक्ति दिखाने का मौका मिल, मतलब एक तरह से उसके लिए तैयार रहना चाहिए। समझ रहे? भूमंडलीकरण के इस दौर में दुनिया सिकुड़ रही है, हमें एक विश्व विराम में रह रहे हैं, राष्ट्र अब अप्रासंगिक हो चले हैं। ऐसा नहीं है, राष्ट्रवाद अब भी प्रासंगिक है। आप इसे तब देख सकते हैं जब देख सकते हो जब भारतीय क्रिकेट टीम बाहर खेलने जाती है, या फिर तब जब हम बाहर बसे हुए भारतीयों को बॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्म देखते हुए पाते हैं। ये भी देखा आप, कई लोगों का कहना है कि वो शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ाते हैं कहीं NCERT। देखिए मेरा मतलब आप समझिए कि आपको चित्र तो ये नहीं दिखाएगा वो, अगर जो भी शॉर्ट नोट्स बनाता होगा वो NCERT आपको पढ़ाता होगा। तो मेरा मानना है ऐसा, और आप लोगों से इतना ही कहना है कि एक से दोबारा आप लोग NCERT को विस्तार से पढ़ लीजिए, और NCERT को छोड़िए कोई भी बुक्स अगर आप लोग उठाते हैं तो उसे एक से दो बार देख लिया करिए, उसकी शक्ल कैसी है, उसके अंदर उसके अक्षर कैसे हैं, उसके बाद आप लोग शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ते रहिए। समझ रहे? अब बात करते हैं राष्ट्र और राष्ट्रवाद की। तो राष्ट्र जनता का कोई आकस्मिक समूह नहीं है, लेकिन यह मानव समाज में पाए जाने वाले अन्य समूह अथवा समुदाय से अलग है, या परिवार से भी अलग है। परिवार तो प्रत्यक्ष संबंधों पर आधारित होता है, जिसका प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्यों के व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में व्यक्तिगत जानकारी रखता है। यह जनजातीय जातीय और अन्य सगोत्रीय समूहों में से अलग है। इन समूहों में विवाह और वंश परंपरा सदस्यों को आपस में जोड़ती है, और इसलिए यदि हम सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से नहीं भी जानते हों तो भी जरूरत पड़ने पर हम उन सूत्रों को ढूंढ निकाल सकते हैं जो हमें आपस में जोड़ते हैं। लेकिन राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम अपने राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को सीधे तौर पर ना कभी जान पाते हैं और ना ही उनके साथ वंशानुगत नाता जोड़ने की जरूरत पड़ती है। फिर भी राष्ट्रों का वजूद है और लोग उनमें रहते हैं, उनका आदर करते हैं। अब देखिए आप तमिल में आप लोग मतलब आपकी शादी होती है, तमिल के लोग अलग हैं और जुड़ाव है, लेकिन समझिए आप लोग, ठीक है। आमतौर से यह माना जाता है कि राष्ट्रों का निर्माण ऐसे समूह द्वारा किया जाता है जो कुल या भाषा अथवा धर्म या फिर जातीयता जैसी कुछ निश्चित पहचान का सहभागी होता है। अब यहाँ सीधा सा कहने का मतलब है कि राष्ट्र का निर्माण
ऐसे लोगों द्वारा होता है जो इनकी कॉमन एक भाषा हो, फिर चाहे कौल हो, कुल हो, धर्म हो, फिर जाति है हो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं देखने को मिलेगा आपको, हमारे देश के मामले में अलग देखने को मिलेगा आपको। आपको हमारे यहाँ देखते हैं अलग अलग धर्म के, भाषा है, एक तरह से समूह भी अलग है। लेकिन हमारे यहाँ क्या किया, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो भी रहे हैं, संविधान ऐसा बनाया कि सभी को उसमें सभी की भावनाओं का ख्याल भी रखा गया है, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन ऐसे निश्चित विशिष्ट गुण वास्तव में है ही नहीं जो सभी राष्ट्रों में समान रूप से मौजूद हो। कई राष्ट्रों की अपनी कोई एक सामान्य भाषा नहीं है। कनाडा का उदाहरण सामने आया है, कनाडा में अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषी लोग साथ रहते हैं। भारत में भी अनेक भाषाएं हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में और भिन्न भिन्न समुदाय द्वारा बोली जाती हैं। बहुत से राष्ट्रों में उनका जोड़ने वाला कोई सामान्य धर्म भी नहीं है। नस्ल या कुल जैसी अन्य विशेषताएं के लिए भी यही कहा जा सकता है। हमारे भारत की देख लीजिए आप लोग, हमारे यहाँ हजारों भाषाएं बोली जाती हैं अलग अलग क्षेत्र में। आप सोचिए कि वो कहते हैं ना कि पैर मतलब कदम चलते पानी और क्या चलते भाषाएं बदलती हैं, तो हजारों भाषाएं बोली जाती हैं हमारे यहाँ। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं एक उदाहरण। आप अपनी भाषा में देशभक्ति किस गीत की खोज करो, इस गीत में राष्ट्र को किस तरह दिखाया गया है। अपनी भाषा में देशभक्ति की किसी फिल्म की खोज करो और उसे देखो, इस फिल्म में देशभक्ति को किस तरह दिखाया गया है और इसकी जटिलताओं को किस तरह हल किया गया है। तब वह क्या है जो राष्ट्र का निर्माण करता है। राष्ट्र बहुत हद तक एक काल्पनिक समुदाय होता है जो अपने सदस्यों की सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बांधा होता है। यह कुछ खास मान्यताओं पर आधारित होता है जिन्हें लोग उस समग्र समुदाय के लिए करते हैं जिससे वे अपनी पहचान कायम करते हैं। आइए हम राष्ट्र के बारे में लोगों की कुछ मान्यताओं को पहचानने और समझने की कोशिश करते हैं। सांझे विश्वास। पहला, राष्ट्र विश्वास के जरिए बनता है। राष्ट्र पहाड़, नदी या भवनों की तरह नहीं होते जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनका स्पर्श महसूस कर सकते हैं। वे ऐसी चीजें भी नहीं है जिनका लोगों के विश्वासों में स्वतंत्र अस्तित्व हो। किसी समाज के लोगों को राष्ट्र की संज्ञा देना उनके शारीरिक विशेषताओं या फिर आचरण पर टिप्पणी करना नहीं है। यह समूह के भविष्य के लिए सामूहिक पहचान और दृष्टि का प्रमाण है जो स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व का आकांक्षी है। इस मायने में राष्ट्र की तुलना किसी टीम से की जा सकती है। जब हम टीम की बात करते हैं तो हमारा मतलब लोगों के ऐसे समूह से जो एक साथ काम करने या खेलते हों, या फिर इससे भी ज्यादा जरूरी है कि वे स्वयं को एकीकृत समूह मानते हों। अगर वे अपने बारे में इस तरह नहीं सोचते हैं तो एक टीम उनकी हैसियत जाती रहेगी और वे खेल खेलने या काम करने वाले महज अलग अलग व्यक्ति रह जाएंगे। एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी कायम रहता है जब उसके सदस्यों को यह विश्वास हो कि वे एक दूसरे के साथ है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तुम अपनी टीम का उत्साह क्यों नहीं बढ़ाती हो, क्या तुम्हारे अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं नहीं है। मैं उतनी ही राष्ट्रवादी हूं जितना कोई और। मैं अपना वोट डालती हूं, टैक्स देती हूं और देश के कानून का सम्मान करती हूं, अपने देश का वासी होने पर गर्व भी करती हूं। ये भी देख लिया करिएगा आप लोग। ठीक है, इतिहास की बात अगर हम लोग करें तो दूसरा, जो लोग अपने को एक राष्ट्र मानते हैं उनके भीतर अपने बारे में बहुधा स्थायी ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है। यानी राष्ट्र खुद को इस रूप में देखते हैं जैसे वे बीते अतीत के साथ साथ आगत भविष्य को समेटते हुए वे देश की स्थायी पहचान का खाका प्रस्तुत करने के लिए साझी स्मृतियों, किंवदंतियों और ऐतिहासिक अभिलेखों की रचना के जरिए अपने लिए इतिहास बोध निर्मित करते हैं। इसी प्रकार भारत के राष्ट्रवादियों ने यह दावा करने के लिए कि एक सभ्यता के तौर पर भारत का लंबा अटूट इतिहास रहा है और यह सभ्यता मूलक निरंतरता और एकता भारतीय राष्ट्र की बुनियाद है। देश की प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत तथा अन्य उपलब्धियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। उदाहरण स्वरूप, नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि हालांकि बाहरी रूप में लोगों में विविधता और अनगिनत विभिन्नताएं थी, लेकिन हर जगह एकात्मकता की वह जबरदस्त छाप थी जिसने हमें युगों तक साथ जोड़े रखा, चाहे हमें जो भी राजनीतिक भविष्य या फिर दुर्भाग्य झेलना पड़ा। एक बात और आपको बताऊं, आप देखिए 1857 की क्रांति देखिए क्यों एक तरह से असफल हो जाती है।
क्यों हम उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। उस समय आपने देखा होगा कि क्षेत्रीयवाद एक तरह से उभरा हुआ था, इसीलिए देखा होगा आपने कि सिंधिया ने अपना क्षेत्र बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई की बलिदान मतलब उन्हें मरवा दिया, एक तरह से उनकी जान की रक्षा नहीं की है। आप जानते हैं ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी है अभी, ये भी कई बार आपका पीटी में क्वेश्चन बन चुका है और भी वन डे एग्जाम में पूछ ले तो वन डे एग्जाम में कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो बनारस में, और उनकी समाधि कहाँ है तो आपको देखने को मिलेगी ये कहाँ, ग्वालियर में, ठीक है। तो उस समय आप समझिए क्षेत्रवाद बना हुआ था, तो अपने अपने क्षेत्र को बचाने के लिए एक तरह से दूसरे के क्षेत्र में कुछ भी कर सकते थे, वो गद्दारों का भी साथ साथ दे देते थे, ठीक है। लेकिन आप देखते हैं 1900 के बाद देखिए आप लोग कि सब लोग एक होना शुरू करते हैं और तब जाके हमें आजादी मिलती है। और याद रखिए फिर चाहे सबकी मंजिल एक ही थी, आजादी, मुक्ति, एक तरह से अंग्रेजों से छुटकारा। फिर आप जनजातियों को ले लीजिए, किसानों को ले लीजिए, किसी भी धर्म के जाति समूह को ले लीजिए, सबका शोषण कर रहे थे। शोषण करने का जरिया उनका अलग अलग था, लेकिन शोषण तो सबका हो रहा था। इसीलिए आप देखते हैं कि असहयोग आंदोलन हुए या फिर कोई भी आंदोलन हो, सबने एक सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया, ठीक। और एक तरह से आप कहिए कि वो एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, ये एक बूढ़ा था, उसके चार बेटे थे, चारों में झगड़ा होता था। एक दिन उसने बुलाया, फिर उसने डंडी वो लट डंडे ले आके दिए, छोटी छोटी लकड़ियां, फिर उसने कहा अलग अलग तोड़िए, समझिए अलग अलग उसी तरह हमें तोड़ रहा था, फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेज अपना रहे थे। लेकिन जब वो डंडियां एक बन गई तो किसी ने नहीं तोड़ पाया, वही हमारे भारत में भी आपको देखने को मिला है। भूक्षेत्र की बात करें तो तीसरा, बहुत सारे राष्ट्र की पहचान एक खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है, किसी खास भूक्षेत्र पर लंबे समय तक साथ साथ रहना, उससे जुड़ी सांझे अतीत की यादें लोगों के एक समूह पहचान का बोध देती हैं, उन्हें एक होने का एहसास भी देती हैं। इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जो लोग स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं, एक ग्रह भूमि की बात करते हैं, ये लोग जिस भूक्षेत्र पर अपना अधिकार जमाते हैं, जिस जगह रहते हैं और उस पर अपना दावा पेश करते हैं और उसे बहुत महत्व भी देखते हैं। राष्ट्र अपनी अपनी ग्रह भूमि का विभिन्न तरीकों से बखान भी करते हैं, जैसे कोई इसे मातृभूमि या फिर पुत्र भूमि कहता है, हम लोग भी तो कहते हैं मातृभूमि अपनी भारत माता, तो कोई पवित्र भूमि। उदाहरण के लिए यहूदी लोगों ने अपने इतिहास में ज्यादातर समय दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बिखरे फैले रहने के बावजूद हमेशा दावा किया कि उनका मूल ग्रह स्थल फिलिस्तीन उनका स्वर्ग है। और भारतीय राष्ट्र की पहचान भारतीय उपमहाद्वीप की नदियों, पर्वतों और अंचलों से है, क्योंकि एक ही भूक्षेत्र पर एक से अधिक समूह का दावा हो सकता है, लिहाजा ग्रह भूमि की आकांक्षा दुनिया भर में संघर्ष का एक बड़ा कारण भी रही है। अब साझे राजनीतिक आदर्श की बात करते हैं तो चौथा, हालांकि अपना भूक्षेत्र और साझी ऐतिहासिक पहचान लोगों में एक होने का बोध पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन भविष्य के बारे में साझा नजरिया और अपना स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व बनाने की सामूहिक पहचान, सामूहिक चाहत की वह मूल बात है जो राष्ट्र को बाकी समूहों से अलग करती है। राष्ट्र के सदस्यों की इस बारे में एक साझा दृष्टि होती है कि वे किस तरह का राज्य बनाना चाहते हैं। बाकी बातों के अलावा वे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद जैसे मूल्यों और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। असल में ये ही वे शर्तें हैं जिनके आधार पर वे साथ साथ आना और रहना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में यह विचार राष्ट्र के रूप में उनकी राजनीतिक पहचान को बताते हैं, यानी कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, उदारवाद। कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्र है आपके यहाँ, आपको वोट देने का अधिकार है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी। धर्मनिरपेक्षता कहने का मतलब यह भी है कि आप देखेंगे धर्म ऐसा नहीं कि सरकार आपके धर्म को ऊंचे उठाए, दूसरे के धर्म को नीचे उठाए, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। आप हिंदू हैं मानिए, अपने धर्म को मानिए, आप मुस्लिम हैं अपने धर्म को मानिए, सरकार आपको किसी तरह से मदद भी नहीं कर सकती है, ठीक है। आपको संविधान में भी देखते होंगे धर्म निरपेक्षता शब्द का उल्लेख भी किया गया है, ठीक है। लोकतंत्र में कुछ राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों के लिए सांझी प्रतिबद्धता ही किसी राजनीतिक समुदाय या राष्ट्र का सर्वाधिक वांछित आधार होता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक समुदाय के सदस्य कुछ दायित्वों से बंधे हुए होते हैं। ये दायित्व सभी लोगों के नागरिकों के रूप में अधिकारों को पहचान लेने से पैदा होते हैं। अगर राष्ट्र के नागरिक अपने सह नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को जान और मान लेते हैं तो इससे राष्ट्र मजबूत ही होता है। हम यहाँ तक कह सकते हैं कि आपसी जिम्मेदारियां दायियों के इस परिवेक्ष को मान लेना राष्ट्र के प्रति वफादारी की सबसे बड़ी कड़ी परीक्षा भी है।
एक बात और हमेशा याद रखिए, ये खाई तो हम लोगों में हिंदू हो फिर चाहे मुस्लिम किसी भी धर्म में, खाई तो ये नेताओं ने डाला है। उन नेताओं ने जो मतलब ही है एक तरह से अपनी वोट बैंक के लिए राजनीति करते हैं, वो ना तो आपका भला चाहते हैं ना किसी दूसरे समूह का चाहते हैं, वो अपना केवल वोट बैंक यानी कि रोटी सेंकना चाहते हैं राजनीति की और निकाल फेंकना चाहते हैं। वरना आप सोचिए कि किसकी बुराई है, आपको ऐसे हजार देखने को मिल जाएंगे जिसमें हिंदुओं की रक्षा करते हैं मुसलमान, और ऐसे भी हजार लोग मिल जाएंगे जो हिंदुओं हिंदू मुस्लिमों की रक्षा कर रहे हैं, कई ऐसे आपको क्षेत्र भी देखने को मिल जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग, इंसान कभी बुरा नहीं होता है, समझ रहे हैं? या तो कोई उनमें इस तरह का जहर घोल देता है कि वो बुरे बन जाते हैं, और ये काम कौन कर रहा है, हमारे नेता बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। साझी राजनीतिक पहचान की बात करें तो बहुत से लोगों का मानना है कि हम जैसा राज्य या समाज बनाना चाहते हैं उनके बारे में साझी राजनीतिक दृष्टि व्यक्तियों को एक राष्ट्र के रूप में बांधने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। इसके स्थान पर वह एक समान भाषा या जातीय वंश परंपरा जैसी साझी सांस्कृतिक पहचान चाहते हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक ही भाषा बोलना आपसी संवाद को काफी आसान बना देता है, और समान धर्म होने पर बहुत सारे विश्वास और राजनीतिक रीति रिवाज साझे हो जाते हैं। एक जैसे त्योहार मानना, एक जैसे मौकों पर छुट्टियां चाहना और एक जैसे प्रतीकों को धारण करना लोगों को करीब ला सकता है, लेकिन साथ ही यह उन मूल्यों के लिए खतरा भी उत्पन्न कर सकता है जिन्हें हम लोकतंत्र में महत्वपूर्ण मानते हैं। क्या मानते हैं? लोकतंत्र में महत्वपूर्ण मान सकते हैं। समान धर्म तो आपको देखने को मिलता होगा कि हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है मामला, समान सामाजिक रीति रिवाज ये भी हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे दूर तक। हो सकता है कि एक समूह में आपको देखने को मिले लेकिन दूसरे समूह की रीति रिवाज बिल्कुल अलग है, धर्म भी अलग है, समझ रहे हैं? एक तरह से कह पाना बड़ा मुश्किल रहता है कि किसी देश को धर्म एक धर्म बांध के रख सकता है, किसी आप जाति बांध के रख सकती है। हो सकता है कि आपका गांव हो कोई बहुल जिस भी जाति का हो उस जाति के नाम से चलता हो, लेकिन हर गांव आपके पड़ोसी में ही दूसरा गांव होगा वो दूसरी जाति का होगा। और आप समझिए, खुद सोच के देखिए कि हमारे देश में आप सोचिए इतनी जातियां हैं, इतने समूहों में बटी हुई है। अगर हमारे पास संविधान ना होता, हमारे पास राष्ट्रीय ध्वज ना होता, तो आप सोचिए हमारे देश का क्या होता, राष्ट्रवाद मुद्दा ही ना होता, समझ रहे आप लोग? तो इसलिए मैं तो सबसे अच्छा मानता हूं कि संविधान और राष्ट्रध्वज ये दो ऐसे कारक हैं जो बहुत अच्छी तरह से जोड़े हुए हैं, और कोई नहीं कहेगा कि हमें संविधान पर भरोसा ना हो। अभी आप किसी भी से पूछ लीजिए बात, किसी भी कास्ट का हो किसी भी समूह का हो, वो सभी कहेगा कि संविधान को हम मानते हैं। ठीक है, इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि दुनिया के सभी बड़े धर्म अंदरूनी तौर से विविधता से भरे हुए हैं, वे अपने समुदाय के अंदर चलने वाले संवाद के कारण ही बने और बड़े हैं। परिणाम स्वरूप धर्म के अंदर बहुत से पंथ बन जाते हैं और धार्मिक ग्रंथों और नियमों की उनकी व्याख्याएं काफी अलग अलग होती हैं। अगर हम इन विभिन्नताओं की अवहेलना करें और एक समान धर्म के आधार पर एक पहचान स्थापित करें तो आशंका है कि हम बहुत ही वर्चस्ववादी और दमनकारी समाज का निर्माण कर दें। एक बात और हमेशा याद रखिए कि हिंदुओं में भी आपको देखने को मिलेंगे तरह तरह के लोग, मतलब जाति पात में बटा हुआ है, मुस्लिमों में भी एक आपको देखने को मिलेगी, समझ रहे हैं? तो ये भी एक तरह से बटे हुए हैं, ये भी नहीं कह सकते हैं कि धर्म भी जोड़ के रख रहा है, समझ रहे? अभी आप देखिए मुस्लिमों को छोड़ दीजिए, बौद्ध जैन धर्म को छोड़ दीजिए, मैं तो कहता हूँ ईसाई को भी छोड़ दीजिए, हिंदुओं में भी तो आपको देखती मिलेगी कि मैं इस कास्ट का हूं तो मेरी कट्टरता, ये एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये कोई धर्म राष्ट्रवाद का मुद्दा बन सकता है, समझ रहे? उसमें उनमें भी आपको जाति पात में बांटते हुए देखने को मिल जाएगा। कोई अभी अभी किसी से पूछिए आप कौन है क्या है, तो अपनी पहचान हिंदू नहीं बताएगा, ना हिंदुस्तान बताएगा, ना भारत भारतीय बताएगा। उसके पास अपनी पहचान बताने के लिए हजार जरिए हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं कहेगा, वो कहेगा मैं पंडित हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं यादव हूं, मैं एक कास्ट का हूं, मैं उस कास्ट का हूं, समझ रहे हैं? दूसरा कारण यह है कि अधिकतर समाज सांस्कृतिक रूप से विविधता से भरे हैं। एक ही भूक्षेत्र में विभिन्न धर्म और भाषाओं के लोग साथ साथ रहते हैं। किसी राज्य की सदस्यता की शर्त के रूप में किसी खास धार्मिक या भाषाई पहचान को आरोपित कर देने से कुछ समूह निश्चित रूप से शामिल होने से रह जाएंगे। इससे शामिल नहीं किए गए समूहों की धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होगी या फिर राष्ट्रीय भाषा नहीं बोलने वाले समूह की हानि होगी, और दोनों स्थितियों में समान बर्ताव उनके लिए सबके लिए स्वतंत्रता का कि उस आदर्श में भारी कटौती होगी जिसे हम लोकतंत्र में अमूल मानते हैं।
और इन्हीं कारणों से यह बेहतर होगा कि राष्ट्र की कल्पना राजनीतिक शब्दावली में की जाए, ना कि सांस्कृतिक पदों में। इसका मतलब यह भी है कि लोकतंत्र में किसी खास धर्म, नस्ल या भाषा से समृद्धता की संबद्धता की जगह एक मूल समूह के प्रति निष्ठा की जरूरत होती है। इस मूल समूह को देश के संविधान में भी दर्ज किया जा सकता है। और आपने देखा होगा कि अपने अपने धर्म को मानने का आपका अधिकार भी दिया गया है, समझ रहे हैं? लेकिन उस अधिकारों को, आपके अधिकार वहां सीमित हो जाते हैं जब दूसरे के धर्म में एक तरह से दूसरे के आप अधिकारों का उल्लंघन करने लगते हैं। अब आपको कह दिया जाए कि अपने धर्म को मानने की आपको स्वतंत्रता है, तो आप किसी के धर्म को नीचा दिखाने लगे, वहां आपके आपके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और आपको आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 दिया गया है। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो, कोई आपके अधिकारों की छेड़छाड़ करता है तो। अब आप देखिए कि आपको आपको बोलने की आजादी है, आपको संगठन बनाने की आजादी है। अब ऐसी गाली देने लगिए, आप अपने बाहर घर के बाहर निकल के दूसरे को, सामने वाले को गाली देने लगिए और बोलिए कि मुझे तो बोलने की आजादी है, तब आपके अधिकारों पर एक तरह से पाबंद भी लगा दिया जाएगा। तो धर्म मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन संविधान ने काफी आप लोगों को सहूलियत दी हुई है। ऊपर कुछ स्थितियों की पहचान की गई है जिनके जरिए राष्ट्र अपनी सामूहिक पहचान को व्यक्त करते हैं। हमने यह भी देखा है कि क्यों लोकतांत्रिक राज्य इस पहचान को साझे राजनीतिक आदर्शों के आधार पर करते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित रह गया है कि आखिर लोग खुद को राष्ट्र के रूप में क्यों निरूपित करते हैं, विभिन्न राष्ट्रों की कुछ आकांक्षाएं क्या है। आगे के दो खंडों में हम इस प्रश्नों पर विचार करने की कोशिश करेंगे। अभी भी आप लोग एक समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम लोग किसे एक तरह से मैन आधार माने, क्योंकि हमारे देश के परिपेक्ष में आपको सब अलग देखेगा। हमारे यहाँ ना तो एक धर्म राष्ट्रवाद का मुद्दा, ना तो धर्म है, ना ही संस्कृति है हमारी, ना ही आप देखिए कोई भी आप देख लीजिए धर्म जाति कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ एक तरह से संविधान ही एक है जो राष्ट्रवाद बना के रखे हुए और राष्ट्र को जोड़ के रखे हुए, समझ रहे हैं? ये हाल है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की। तो बाकी सामाजिक समूहों से अलग राष्ट्र अपना शासन अपने आप करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो वे आत्मनिर्णय का अधिकार मांगते हैं। आत्मनिर्णय के अपने दावे में राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मांग करता है कि उसके पृथक राजनीतिक इकाई या फिर राज्य के दर्जे को मान्यता और स्वीकारता दी जाए। अक्सर ऐसी मांग उन लोगों की ओर से आती है जो एक लंबे समय से किसी निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते आए हों और जिनमें साझी पहचान का बोध हो। कुछ मामलों में आत्मनिर्णय के ऐसे दावों का एक स्वतंत्र राज्य बनाने की उस इच्छा से जुड़े होते हैं। इन दावों का संबंध किसी समूह की संस्कृति की संरक्षा से होती है। और यहाँ इसको भी देख लीजिए, ये भी एक तरह से पैराग्राफ है। बास्क में आत्मनिर्णय की मांग। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांग दुनिया के विभिन्न भागों में उठ रही है। आइए ऐसे एक मामले पर नजर डालते हैं हम लोग। बास्क स्पेन, ये दिखाई दे रहा है, स्पेन का एक पहाड़ी और समृद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र को स्पेनी सरकार ने स्पेन राज्य संघ के अंतर्गत स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा दे रखा है, लेकिन बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन के नेतागण इस स्वायत्तता से संतुष्ट नहीं है। वे चाहते हैं कि बास्क स्पेन से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन जाए। इस आंदोलन के समर्थकों ने अपनी मांग पर जोर डालने के लिए संविधानिक और हाल तक हिंसक तरीकों का इस्तेमाल किया है। बास्क राष्ट्रवादियों का कहना है कि उनकी संस्कृति स्पेन संस्कृति से बहुत भिन्न भी है और उनकी अपनी भाषा है जो स्पेनी भाषा से बिल्कुल नहीं मिलती। हालांकि आज बास्क के मात्र एक तिहाई लोग उस भाषा को समझ पाते हैं। बास्क क्षेत्र की पहाड़ी भूल संरचना उसे स्पेन से भौगोलिक तौर पर अलग करती है। रोमन काल से अब तक बास्क क्षेत्र में स्पेनी शासकों के समक्ष अपनी स्वायत्तता का कभी समर्पण नहीं किया है और उनकी न्यायिक प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रणालियां उनकी अपनी विशिष्ट व्यवस्था के जरिए संचालित होती हैं। ये मुद्दा आपको अपने पूर्वी भारत में देखिए आप लोग देखने को मिल सकता है, ठीक है? आधुनिक बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनी शासकों ने उनकी विशिष्ट राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश की और 20वीं सदी में स्पेनी तानाशाह फ्रांको ने इस स्वायत्तता में और कटौती कर दी। उसने बास्क भाषा को सार्वजनिक स्थानों, यहाँ तक कि घर में भी बोलने के पर पाबंदी लगा दी थी। ये दमनकारी कदम
लेकिन बास्क आंदोलनकारियों का स्पेनी शासन के प्रति संदेह और क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश का भय बरकरार है। उनके विरोधियों का कहना है कि बास्क अलगाववादी एक ऐसे मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका समाधान हो चुका है। क्या आपके विचार में बास्क राष्ट्रवादियों की अलग राष्ट्र की मांग जायज है? क्या बास्क एक राष्ट्र है? इस सवाल का उत्तर देने में कि पहले आप और किन बातों की जानकारी चाहेंगे? क्या आप दुनिया के दूसरे भागों के ऐसे उदाहरणों के बारे में विचार कर सकते हैं? क्या आप अपने देश के ऐसे क्षेत्रों और समूहों के बारे में विचार कर सकते हैं जहां इस तरह की मांग की जा रही हो? मैंने नांगाओं का उदाहरण दिया है ना आप लोगों को, यही मुद्दा बना हुआ है। एक बात आप लोग समझिए, अगर संविधान में अगर ना सबका ख्याल रखा गया होता और संविधान में आप सोचिए कि एक या तो संविधान होता ही ना, या संविधान में किसी ऐसे समूह को आप सोचिए कि किसी को मत दिया जाता है, किसी को मतहीन समझ लिया जाता, तब हमारे देश में भी इस तरह की भावना उठती और इस तरह के आंदोलन आपको देखने को मिलते। हमारे संविधान में दलितों का भी ध्यान रखा गया है और उच्च कास्ट का भी ध्यान रखा गया है, सबको बराबर, महिलाओं की स्थिति का भी ध्यान रखा गया है। अंग्रेजों के समय क्यों विरोध हुआ? उन्होंने राजाओं को तो ठीक है महत्व देना पसंद किया, लेकिन जनता का किस तरह से शोषण कर रहे थे, और यही एक तरह से आंदोलन का रूप धारण कर लिया। तो यही बास्क की यही प्रॉब्लम है कि यहाँ आप सोचिए कि भाषा को घर में भी नहीं बोल सकते, बोलो घर में भी पाबंदी लगा दी गई है, तो विरोध ना हो तो क्या हो? और यही हो सकता है कि आगे और उग्र विरोध हो, आंदोलन हो, सब जुड़ के आंदोलन करने लगे और एक देश के रूप में भी बन सकता है, समझ लें। नांगाओं में आप देखते हैं, हम कई राज्यों में उत्तर पूर्वी राज्यों को आप देखिए जिन्हें आप सेवन सिस्टर्स कहते हैं, उन्हें भी आप देखते हैं आर्टिकल 371 के तहत कुछ मुख्य मेन प्रावधान भी दिए गए हैं कि उनकी भी भावनाओं का ख्याल रखा जाए, उन्हें भी हम लोग जोड़ के रखें, समझ गए आप लोग, कि हमसे अलग ना हो जाए, हमारा एक यही कर्तव्य है और उनके हर ख्याल रखा जाता है उनकी भावनाओं का। दूसरी तरफ के बहुत से दावे 19वीं सदी के यूरोप में सामने आए उस समय जब एक संस्कृति एक राज्य की मान्यता से जोर पकड़ा। परिणाम स्वरूप पहले विश्व युद्ध के बाद राज्यों की पुनर्व्यवस्था में एक संस्कृति एक राज्य के विचार को अजमाया गया। वर्षाए की संधि से बहुत से छोटे और नव स्वतंत्र राज्यों का गठन हुआ, लेकिन उस समय उठाई जा रही आत्मनिर्णय की सभी मांगों को संतुष्ट करना वास्तव में असंभव था। इसके अलावा एक संस्कृति एक राज्य की मांगों को संतुष्ट करने की से राज्यों की सीमाओं में बदलाव हुए, इससे सीमाओं की एक ओर से दूसरी ओर बहुत बड़ी जनसंख्या का विस्थापन भी हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग अपने घरों से उजड़ गए और उस समय उस जगह से उन्हें बाहर धकेल दिया गया है जहां पीढ़ियों से उनका घर था। बहुत सारे लोग सांप्रदायिक हिंसा के शिकार भी हुए। हमारे देश का जब बंटवारा हुआ 1947 के पास तो पाकिस्तान अलग हो गया, आपने देखा, हिंदुस्तान अलग रहा। हमारे यहाँ देखिए मुस्लिमों का भी उतना ख्याल रखा गया जितना कि हिंदुओं और बाकी धर्मों के लोगों का रख रहा है। पाकिस्तान में आप देखिए कि एक बहुत बड़ी खासी जनसंख्या हमारी हिंदुओं की गई हुई थी वहां पाकिस्तान में, आज आप देखिए ना के बराबर बचे हुए हैं, कहाँ गए हैं बोलो। तो वहां एक तरह से उनके या तो धर्म परिवर्तन करवा दिया गया है, उन्हें मार दिया गया है, ये देखने को मिलता है। अलग अलग सांस्कृतिक समुदाय को अलग अलग राष्ट्र राज्य मिले इसे ध्यान में रखकर सीमाओं को बदला गया है। इस कोशिश के कारण मानव जाति को भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस प्रयास के बावजूद यह सुनिश्चित करना संभव नहीं हो सका कि नवगठित राज्यों में केवल एक ही नस्ल के लोग रहें। वास्तव में अधिकतर राज्यों की सीमाओं के अंदर एक से अधिक नस्ल और संस्कृति के लोग रहते थे। ये छोटे छोटे समुदाय राज्य के अंदर अल्पसंख्यक थे और अक्सर नुकसानदेह स्थितियों में रहते थे। इस विकास का सकारात्मक पहलू यह था कि उन बहुत सारे राष्ट्रवादी समूहों को राजनीतिक मान्यता प्रदान की गई जो स्वयं को एक अलग राष्ट्र के रूप में देखते थे और अपने भविष्य को तय करने तथा अपना शासन स्वयं चलाना चाहते थे। लेकिन राज्यों के भीतर अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रही हैं। अल्पसंख्यक कहने का मतलब है कि उनकी संख्या दूसरी जो समूह है उनसे कम होना। और आप समझिए कि आप किसी ऐसी जगह में जा रहे हैं जहां आप उस जनसंख्या के हिसाब से ना के बराबर हों तो आपके साथ भेदभाव किया जाएगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। मैंने बताया ना पाकिस्तान का उदाहरण, आप लोग देखिए वहां खुल के आपको मालूम है वहां के हिंदू जब आए, अभी भी हिंदू आप देखते हैं दिल्ली के आसपास रहते हैं जो वहां से भाग के आए, उनकी पीड़ा कभी आप सुनिए, उन्हें किस तरह से मारा काटा गया, उनके परिवार की हत्याएं की गई उन्हीं के सामने, महिलाओं के साथ किस तरह से भेदभाव किया गया, छेड़छाड़ किया गया, सब ये बताएंगे। वो बड़े मतलब कष्ट से रोती हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये भी देखने को मिलता है जब अल्पसंख्यक रहता है।
जब एशिया एवं अफ्रीका उपनिवेशिक प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, तब राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों ने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की भी घोषणा की थी। राष्ट्रीय आंदोलन का मानना था कि राजनीतिक स्वाधीनता तो राष्ट्रीय समूहों को सम्मान एवं मान्यता प्रदान करेगी और साथ ही वहां के लोगों के सामूहिक हितों की रक्षा भी करेगी। अधिकांश राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन राष्ट्र के लिए नए न्याय, अधिकार, समृद्धि हासिल करने के साथ से प्रेरित थे। हालांकि यह भी प्रत्येक सांस्कृतिक समूह जिनमें से कुछ पृथक राष्ट्र होने का दावा करते थे कि राजनीतिक स्वाधीनता एवं राजसत्ता सुनिश्चित करना लगभग असंभव साबित हुआ। इस क्षेत्र के अनेक ऐसे अनेक देश आबादी के देशांतरण, सीमाओं पर युद्ध, हिंसा की चपेट में आते रहे। इस प्रकार हम उन राष्ट्र राज्यों को विरोधाभासी स्थिति में पाते हैं जिन्होंने संघर्षों की बदौलत स्वाधीनता प्राप्त की है, यानी कि आजादी प्राप्त की है, लेकिन अब भी अपने भू क्षेत्र में तो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूह का विरोध भी कर रहे हैं। वस्तुतः आज दुनिया की सारी राज्य सत्ता इस दुविधा में फंसी है कि आत्मनिर्णय के आंदोलन से कैसे निपटा जाए, और इसने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार पर सवाल खड़े कर दिए। बहुत से लोग यह महसूस करने लगे हैं कि समाधान नए राज्यों के गठन में नहीं, वरन वर्तमान राज्यों को अधिक लोकतांत्रिक और समता मूलक बनाने में है। समाधान यह सुनिश्चित करने में है कि अलग अलग सांस्कृतिक और नस्लीय पहचानों के लोग देश में समान नागरिक और साथियों की तरह सह अस्तित्व पूर्वक रह सके। यह न केवल आत्मनिर्णय के नए दावों के उभार से पैदा होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए, वरन मजबूत और एकताबद्ध राज्य बनाने के लिए जरूरी होगा। जो राष्ट्र राज्य अपने शासन में अल्पसंख्यक समूह के अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की कद्र नहीं करता, उसके लिए अपने सदस्यों की निष्ठा प्राप्त करना मुश्किल होता है। एक बात और आप लोग यहाँ समझिए, क्या समझना है आप लोगों को? ये समझना है कि आप सोचिए, अभी कई देशों में लोकतंत्र के लिए उग्र आंदोलन भी चल रहे हैं। थाईलैंड का मामला ले लीजिए आप, देखिए म्यांमार में भी आपने देखा होगा, लीबिया में भी आप देखते रहते हैं, लेबनान, और दूर क्यों जा रहे हैं, हांगकांग का मामला भी तो देखते हैं। लोकतंत्र का मतलब है कि लोकतंत्र में आप देखिए कि लोगों का शासन एक तरह से, वहां सबकी ख्याल रखा जाएगी, सबकी भावना का ख्याल रखा जाएगा। चाइना में आप देख लीजिए आप लोग कि मुस्लिमों का क्या हाल है, चाइना में कई समूहों का क्या हाल है, चाइना में उन्हें बोलने की आजादी नहीं है, जेलों में भर दिया जाता है, अगर वो आवाज उठाते हैं तो मार दिया जाता है उन्हें। एक तरफ हमारे देश को देख लीजिए, यहाँ प्रधानमंत्री को भी गाली देते रहते हैं, इससे ज्यादा आजादी क्या चाहिए आप लोगों को? प्रधानमंत्री का भी कार्टून बना देते हैं आप, इससे ज्यादा आजादी आपको कहीं है? आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है। तो यही तो लोकतंत्र का एक तरह से फायदा होता है। अब बात करते हैं राष्ट्रवाद और बहुलवाद। एक संस्कृति एक राज्य के विचार को त्यागते ही यह जरूरी हो जाता है कि ऐसे तरीकों के बारे में सोचा जाए जिसमें विभिन्न संस्कृतियों और समुदाय एक ही देश में फल फूल सकें। इस लक्ष्य को पाने के लिए ही अनेक लोकतांत्रिक देशों ने सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को स्वीकार करने और संरक्षित करने के उपायों को शुरू किया है। भारतीय संविधान में धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की संरक्षा के लिए विस्तृत प्रावधान भी किया गया है। मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं आपकी, ठीक है। विभिन्न देशों में समूहों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उनमें शामिल है अल्पसंख्यक समूह एवं उनके सदस्यों की भाषा, संस्कृति और धर्म के लिए संवैधानिक संरक्षा के अधिकार। आर्टिकल 29-30 में आप देखते हैं ना, कुछ मामले में इन समूहों की को स्थायी संस्थाओं और अन्य राजकीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का अधिकार भी होता है। इन अधिकारों को इस आधार पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है कि अधिकार इन समूहों के सदस्यों के लिए कानून द्वारा समान व्यवहार, सुरक्षा के साथ ही समूह की सांस्कृतिक पहचान के लिए भी सुरक्षा का प्रावधान करते हैं। और इसके अलावा इन समूहों को राष्ट्रीय समुदाय के एक अंग के बतौर भी मान्यता देनी होती है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय पहचान को समावेशी रीति से परिभाषित करना होगा जो राष्ट्रीय राज्य के तमाम सदस्यों की महत्ता और अद्वितीय योगदान को मान्यता दे। हालांकि आपको देखने को मिलेगा, यह उम्मीद की जाती है कि समूहों को मान्यता और संरक्षा प्रदान करने से उनकी आकांक्षाएं संतुष्ट होंगी। फिर भी हो सकता है कि कुछ समूह पृथक राज्य की मांग अड़िग रहे या विरोधाभासी भी प्रतीत हो सकता है कि जहां दुनिया में भूमंडलीकरण का दौर जारी है, वहीं राष्ट्रीय आकांक्षाएं अभी भी बहुत सारे समूह समुदायों को उद्देलित कर रही है। ऐसी मांगों से लोकतांत्रिक ढंग से निपटने के लिए यह जरूरी है कि संबंधित देश अत्यंत उदारता
और दक्षता का परिचय भी दे। कुल मिलाकर राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार को आमतौर पर इस रूप में समझा जाता था कि इसमें राष्ट्रीयताओं के लिए स्वतंत्र राज्य का अधिकार भी सम्मिलित है, लेकिन यह नामुमकिन है कि प्रत्येक राष्ट्रीय समूह को स्वतंत्र राज्य प्रदान किया जाए। साथ ही यह संभवतः अवांछनीय भी होगा और यह ऐसे राज्यों के गठन की ओर ले जा सकता है जो आर्थिक और राजनीतिक क्षमता की दृष्टि से बेहद छोटे हों और इससे अल्पसंख्यक समूह की समस्याएं और बढ़ी। और इस अधिकार की यह पुनर्व्याख्या की जाती है कि इसका मतलब है कि राज्य के भीतर किसी राष्ट्रीयता के लिए कुछ लोकतांत्रिक अधिकारों की स्वीकृति की जाए, और ये संभव भी नहीं होता है किसी देश में कि अलग एक तरह से अलग एक आप समझिए कि अलग समूह के लिए या जाति के लिए अलग राज्य बना दिए जाए। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो समूह की पहचान को मान्यता देने के मात्र के प्रति काफी सचेत भी है। आज हम ऐसे बहुत से संघर्षों के साक्षी हैं जो समूह की पहचान की मान्यता के लिए चल रहे हैं तथा राष्ट्रवाद की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात की जरूरत है कि हम राष्ट्रीय पहचान के उनके दावों की सत्यता को स्वीकार करें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम राष्ट्रवाद के असहिष्णु और एक जातीय स्वरूपों के साथ कोई सहानुभूति बरतें। यहाँ भी देख लीजिए, आओ कुछ करके सीखें क्या करवा रहे हैं। भारत और भारत से बाहर आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग कर रहे विभिन्न समूहों से संबंधित समाचार पत्र पत्रिकाओं की कतरनों को इकट्ठा करें, निम्न मामलों पर अपनी राय, इन मांगों के पीछे क्या कारण है, इनके संघर्ष की प्रकृति क्या है, क्या उनकी मांगे जायज हैं, क्या आप क्या सोचते हैं, संभवतः समाधान क्या हो सकता है, इस पर ज्यादा आपको दिमाग न लगाना है। इस तरह के जो भी होते हैं पैराग्राफ, जो भी क्रियाकलाप एक तरह से कह दीजिए इसे, तो इन्हें पढ़िए और निकल जाइएगा, ठीक है ना। तो आपको कतरन इकट्ठी करनी है और ना ही कुछ और। राष्ट्रवाद पर रविन्द्रनाथ ठाकुर की समालोचना। राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता है। मेरी शरण स्थली तो मानवता है। मैं हीरों की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जीवित हूं देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजय नहीं होने दूंगा, यह रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था। वे औपनिवेशिक शासन के विरोधी थे और भारत की स्वाधीनता के अधिकार का दावा करते थे। वे महसूस करते थे कि उपनिवेशों के ब्रितानी प्रशासन में मानवीय संबंधों की गरिमा बरकरार रखने की गुंजाइश नहीं है, और यह एक ऐसा विचार है जिसे ब्रितानी सभ्यता में भी स्थान मिला है। टैगोर पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध करने और पश्चिमी सभ्यता को खारिज करने के बीच फर्क करते थे। भारतीयों को अपनी संस्कृति और विरासत में गहरी आस्था होनी चाहिए, लेकिन उन्हें बाहरी दुनिया से मुक्त भाव से सीखने और लाभान्वित होने पर कभी प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब सीधा सा यही है, उन्होंने ये भी कहा है कि बाहरी देशों से बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है। ठीक है, अपने धर्म को मानिए आप लोग, लेकिन जो दूसरे के धर्म में अगर आप सोचिए कि अच्छा ही है तो उसे भी आप लोग फॉलो करिए। मान लीजिए आप में बहुत अच्छा ही है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप में जो बुराई हो सामने वाले में जो अच्छाई हो उसे भी अपने आप पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, एक तरह से यही है। टैगोर जिसे देशभक्ति कहते थे, उसकी समालोचना उनकी लेखन का स्थायी विषय था। वे देश के स्वाधीनता आंदोलन में मौजूद संकीर्ण राष्ट्रवाद के कटु आलोचक भी थे। उन्हें भय था कि तथाकथित भारतीय परंपरा के पक्ष में पश्चिम की खारिजी का विचार यहीं तक सीमित रहने वाला नहीं है। वे अपने देश में मौजूद ईसाई, यहूदी, पारसी और इस्लाम समेत तमाम विदेशी प्रभावों के खिलाफ आसानी से आक्रामक भी हो सकता है। यहाँ कुछ कृति दी गई है और यही लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इन्हें इस भाषा को ना पढ़ने के बर मौजूद हैं, मतलब हम ना पढ़ सकते हैं, पढ़ने की हालात में नहीं है। ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी से संबंधित, इन्हें देखते रहिएगा। इसकी भी टेलीग्राम पर पीडीएफ उपलब्ध करवा दी गई है। चलिए राष्ट्रवाद का मुद्दा, आगे हम बात करते हैं धर्म निरपेक्षता के बारे में बात करेंगे अध्याय 8 में। याद रखिए इन बुक्स को केवल एक से दो बार पढ़िए, ज्यादा कुछ दिमाग मत लगाइएगा। स्पेशल बुक्स पढ़ेंगे जब आप एनसीईआरटी खत्म करने के बाद, जैसे एम लक्ष्मीकांत है, तो उसमें बहुत अच्छे से आपको ये सभी बताया जाएगा, आर्टिकल के बारे में बताया जाएगा, नागरिकता में कौन आर्टिकल कहाँ क्या होगा, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है।